स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, और जो ओबीसी के लिए उम्र का जो संशय था वो भी समाप्त हो चुका है। ओबीसी के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष ही रखी गई है। हालांकि यहाँ पर पदों को ओबीसी के बहुत कम कर दिया गया है। 6,350 पद हैं आरक्षी पुलिस में ओबीसी के लिए, और 4,860 पद हैं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबल में ओबीसी के लिए। तो जो ओबीसी का जो एज का जो संशय था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। 18 से 27 वर्ष ही एज रखी गई है ओबीसी के लिए, और हालांकि इसमें वो नोटिफिकेशन में कहीं भी स्पष्ट दिया नहीं गया है, मगर अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 92 का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो ओबीसी के लिए जो आयु है यूपी पुलिस में वो 18 से 27 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए वो रखी गई है, और एससी एसटी के लिए 160 रखी गई है, और सीना 79 जो सेंटीमीटर रखा गया है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर मांगा गया है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो शारीरिक मानक है वो न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 40 किलोग्राम रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दौड़ का जो मानक रखा गया है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर रखा गया है, और 25 मिनट इसका समय रखा गया है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये मानक जो रखे गए हैं, और तो चूंकि 1 अप्रैल 2017 जाति प्रमाण पत्र जो 1 अप्रैल 2017 के बाद का होना चाहिए, तो अभी जिन अभ्यर्थियों ने जाति प्रमाण पत्र अपना नहीं बनवाया हो वो अपना जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जाति प्रमाण तुरंत किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना तुरंत आवेदन कर दें। अभी काफ़ी समय है, और जिन लोगों ने आवेदन अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए कर दिया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जब बाद में आएगा तो आपका वो उसकी डिटेल्स डाली जा सकती हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन आपका बिना जाति प्रमाण पत्र के हो जाएगा। बाद में साइड पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी बिजी होती है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बेशक आपका ना बना हो अपना रजिस्ट्रेशन आप अभी तुरंत किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर करा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और लाइक व शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास मेरी जानकारी पहुंच सके। तो आप जो ओबीसी का जो संशय था वो पूरी तरीके से निकल चुका है, 18 से 27 वर्ष है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी ओबीसी के लिए है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।